व्यूअर्स, आज मैं मल्टीग्रेन आटे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उसे फिर चपाती कैसे बनाते हैं वो शेयर कर रही हूँ। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें लो कार्बोहाइड्रेट है और इसमें आपको विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, आयरन सब मिल जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें कई तरह के आटे मिक्स करके ये बनाई जाती है। आज हम मल्टीग्रेन आटा बनाएंगे। इसके लिए ये पहले एक बड़ी सी होल वाली छलनी लेंगे, उसके अंदर ये एक कटोरी जितना मैंने बेसन लिया है उसको डालेंगे और ये मैंने हाफ कटोरी ज्वार का आटा लिया है इसको भी डालेंगे हम। ये जौ का आटा है इसको भी मैंने दरदरा पिसवा लिया है। इस तरह का होता है जौ, जिसको ख्याल ना है, जो हवन हवन में पूजा पाठ में डाला जाता है, इसको भी हाफ कटोरी लेंगे और इसको डाल देंगे। ये रागी का आटा है, इसको मैंने सिर्फ 1/4 कप ही लिया है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप लेंगे तो आपकी रोटी हार्ड बन जाएगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने 1/4 कप लिया है। और ये मैंने 3/4 कप नीता ये बाजरे का आटा लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि जो पीसीओडी में और खा सकते हैं और इसको इससे वजन भी नहीं बढ़ेगा। रागी, बाजरा, ये सब में हाई फाइबर होता है तो वेट लॉस में भी ये बहुत ही मदद करता है। इसको धीरे धीरे ऐसे छलनी से छान लेंगे और इसकी थोड़ी चपाती मोटी ही बनती है, बिल्कुल पतली नहीं बनती है, पर आप आसानी से इसको बेल सकते हैं, उसमें मुश्किल नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से मसाला डाल के बहुत ही टेस्टी अच्छी रोटी बना सकते हैं, वरना ऐसे ही बनाएंगे तो आप जो नॉर्मल चपाती का टेस्ट आता है ऐसे ही ये बन जाएगी। ये मैंने आटा छान लिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मक्के का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन जो वेट लॉस करते रहे हैं उसके लिए अगर मक्के का आटा डालेंगे तो उसके काफी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो उसे वेट लॉस में तकलीफ होगी, इसलिए आप चाहें तो इसमें डालें वरना अवॉइड भी कर सकते हैं। ये तैयार है हमारा मल्टीग्रेन आटा। ऐसे ही आपको ज़्यादा क्वांटिटी में करना है तो थोड़ा सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ा दीजिए तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा। अगर आप चाहें इसके अंदर मसाले में तो थोड़ा सा जीरा, धनिया, सौंफ और थोड़ी अजवाइन, इनको रोस्ट पे ले कर लीजिए और फिर इसके अंदर आप पीस लेकर डाल दीजिए तो भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है और मिसी रोटी जैसा इफेक्ट आता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके अंदर आपको कैल्शियम, आयरन, फाइबर सब मिलते हैं, इसलिए पेट भी आपका भरा रहेगा और वेट लॉस में भी आसानी रहेगी। ये मैंने हाफ कटोरी जितना आटा लिया है ये, अब हम पानी की मदद से इसको गूंथ लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आप डालते जाएं और गूंथते जाएं, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, इस वजह से इसमें पानी भी ज़्यादा चाहिए। ये मैंने आटा गूंथ लिया है, अब इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर नमक डाल सकते हैं, पर मुझे ऐसे ही प्लेन पसंद है इसलिए मैं इसको ऐसे ही गूंथ लूँ। और थोड़ा सा मैंने इसको ढीला किया है ताकि इसके अंदर जो रागी है वो पानी ज़्यादा सोखती है और फिर
चपाती हार्ड बन जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चपाती के जैसा ही, थोड़ा चपाती से कम ऐसा बनाया है। ये हमारा आटा तैयार है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और अब हम इसके लोए बना लेंगे और आटे की मदद से इसको बेल लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट और अच्छी ये बना है। चपाती को आपको बिल्कुल पतला पतला बेलना है। अगर आपको लगे कि आटा थोड़ा सॉफ्ट है तो इसके अंदर थोड़ा सा आटा डाल सकते हैं, और अगर लगे कि हार्ड है तो थोड़ा सा पानी और डाल के इसको फिर मसल सकते हैं। ये मैंने तभी पहले से गर्म करके रखी है, इस पर हम इसको दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। देखिए कितनी फुल्का रोटी बनके तैयार हो गई है। ऐसे ही हम सारी रोटियां बना लेंगे।